नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा और आप सभी अभी हैं वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों RCET की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, इसी प्रकार के बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी महत्वपूर्ण होती रहेंगी। दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा, अगर आप RCET में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि RCET में मैं टॉप करूँ, तो आप लोगों को वैकेंसी गुरु से पढ़ना होगा। और ये आपको विश्वास कब होगा, जब आप RCET के जो है पुराने स्टूडेंट्स के कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बातें करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न। MS Excel में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। दोस्तों MS Excel का वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है, उसे दोस्तों गोल सीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल सीक, याद रखना, गोल सीक। गोल सीक का मतलब वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगाना। दोस्तों अज्ञात वैल्यू जो होती है उसका पता लगाना, अज्ञात वैल्यू का पता लगाता है और वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है, इसे हम गोल सीक कहते हैं। प्रश्न नंबर दो, दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पहला वीडियो है, इसी प्रकार रेगुलर वीडियोज आएंगे। आप पूरे वीडियो को देखिए और सभी वीडियो को इसी प्रकार देखना। आपको वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नई वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो है, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। मेलवेयर का वह प्रकार जो आप हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी, यानी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आके जासूसी करता है, कौन सा है? एंटीवायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिर DNS। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्पाईवेयर, यानी आपके कंप्यूटर में जो आकर जासूसी करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाईवेयर कहते हैं। इसे गुप्तचर भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? गुप्तचर। हम सब जानते हैं ना गुप्तचर, हम देखते हैं पहले राजा महाराजाओं क्या हुआ करते थे, तो ये जो गुप्तचर है वो स्पाईवेयर होता है। आगे हम चलते हैं, जासूस भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर तीन में, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको, आप चाहते हैं उस वेबसाइट पर नहीं ले जाया जाता है, आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हैकिंग। हैकिंग में ऐसा नहीं होता, हैकिंग में तो ये नहीं होता। स्पाईवेयर जासूस होता है, ये नहीं होता, वायरस नहीं होता, DNS पॉइजनिंग, ये सही जवाब है। कई बार तो आपको ऑप्शंस पढ़ के भी आंसर आ जाता है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है DNS पॉइजनिंग। DNS में जब पॉइजनिंग हो जाता है तो आप चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों कंप्यूटर कोड के साथ अगर छेड़छाड़ करेगा ना, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 65 लगती है। धारा 65, ये याद रखना। अगर कोई कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ी कर देगा तो उसे कंप्यूटर के जो है छेड़छाड़ करने पर धारा 65 लगाई जाती है। कोई दोस्तों कोई प्रश्न ऐसा हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आए ना एक बार में, तो आप बैक करके उसको दोबारा देख लिया कर लिए दोबारा देख पढ़ लिया कीजिए बैक करके वीडियो को, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा आप आराम से समझेंगे। साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है? साइबर अपराध होता है ना दोस्तों, ऑनलाइन में साइबर अपराध होता है, उसमें धारा 406 कब लगाई जाती है? 406 की धारा विश्वासघात का अपराध करने पर, धोखाधड़ी पर, बोगस पर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने पर। और इसका सही जवाब है दोस्तों धारा 406 विश्वासघात की है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है, ऑनलाइन आपको विश्वास देता है और वैसा वो करता नहीं है, तो आप उसके खिलाफ 406 की धारा लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट बता रहा हूँ, इस कमेंट में आप पढ़ें कि विद्यार्थी ने क्या किया, क्या कहा है कि वैकेंसी गुरु चैनल से आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये कमेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस कमेंट को पढ़ें और बताएं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? दोस्तों सूचना सुरक्षा प्रणाली में ISO मानक 27001 है। 27001 याद रखना, ISO मानक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 27001 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, Windows 10 में कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? Windows 10 में यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं? दोस्तों विंडोज 10 में दो प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। यानी इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और ऐसा कौन से ऑप्शन में? आप बोलोगे कि सर सी में है, तो बिल्कुल आपका जवाब सी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आठ।
एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का एलसीडी होता है ये वाला, एक आपके कंप्यूटर का सीपीयू होता है ये वाला। अभी सीपीयू को कंप्यूटर से जोड़ने वाली जो केबल होती है, उस केबल को, वो कौन सी केबल होती है दोस्तों? वो केबल होती है, दो प्रकार की केबल होती है दोस्तों। एक तो होती है HDMI केबल, इससे भी जोड़ सकते हैं, और VGA केबल, इससे भी जोड़ सकते हैं, दोनों केबल से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा A और B दोनों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि HDMI का पूरा नाम क्या है दोस्तों। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है बर्निंग, बूटिंग, राइटिंग या रीडिंग। और इसका सही जवाब है मित्रों, CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। बर्निंग कहते हैं, बर्न यानी जलना होता है वैसे, अगर हम हिंदी में बात करें। बट CD और DVD में डेटा भरना बर्निंग कहलाता है, और कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? बूटिंग। ओके, अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न। जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी नए हैं वो विद्यार्थी अपनी गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु वेबसाइट, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर आपके लिए लॉट ऑफ कंटेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं। आप यहां पर क्या सर्च करेंगे गूगल में? आपको सर्च करना है वैकेंसी गुरु। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी ये वाली। नए विद्यार्थी को बता रहा हूं, पुराने विद्यार्थी सभी इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं। और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नए क्वेश्चंस और जोड़ दिए गए, ध्यान से देख लो, ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मॉडल टेस्ट पेपर है, यहाँ से यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट हैं, ऑनलाइन टेस्ट देकर देख सकते हो आप। इसमें ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर कैसे कैसे हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पर RCET 22 में के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी को अगर आप पढ़ लेंगे तो RCET में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, और वीडियोज़ आप डेली देखते ही हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने वीडियो में वापस से, ठीक है। अपना अगला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है नहीं है, या क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड यानी वैध उदाहरण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गूगल क्रोम। दोस्तों गूगल क्रोम तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जिसका हम यूज इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, जिसमें हम नेट चलाते हैं, है ना, गूगल का नाम मैंने फ़ोन में भी होता है। तो ये ब्राउजर है दोस्तों, ये क्या है? ब्राउजर, ठीक है। बाकी लिनक्स, MS-DOS और गूगल एंड्रॉयड, ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और गूगल क्रोम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इंटरनेट चलाने के काम में आता है। तो सही जवाब रहेगा यही। अगला है, MS-Access 2010 में इंडेक्सेज क्यों बनाए जाते हैं? मित्रों MS-Access 2010 में इंडेक्स क्यों बनाते हैं? देखिए, यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने की एक्सरसाइज करने की सहायता देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह डेटाबेस में लॉजिकल व्यू में बदलता है, गलत। यह डेटाबेस को दृश्य, ये भी गलत है, ये भी गलत। इसका सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि ये रिकॉर्ड को तेजी से खोजता है, और दूसरा सॉर्ट करने की सुविधा भी देता है। सॉर्ट यानी आरोही अवरोही क्रम में जमाना, सॉर्ट का मतलब होता है आरोही व अवरोही क्रम में जमाना, जानते हो ना, अवरोही अवरोही क्रम दो क्रम होते हैं, जिसको अंग्रेजी में असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम कहते हैं, असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है कि अगर आप मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आप कहाँ पर जाएं? गूगल में सर्च करें विजिट www.vacancyguru.in, इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और इसका सही जवाब क्या है पता है? इसका सही जवाब है दोस्तों व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, आप किसी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, यानी किसका यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो? आपको पता है ब्लूटूथ से भेज सकते हो, यूनिकोड से नहीं भेज सकते, ईमेल से भी भेज सकते हो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए और सी दोनों,
आप कोई डॉक्यूमेंट ब्लूटूथ और ईमेल दोनों से भेज सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? दोस्तों नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है उसको बीपीएस में मापते हैं। किस में मापते हैं? बीपीएस में। अब वो बीपीएस का पूर्ण नाम जो होता है वो होता है बिट्स प्रति सेकंड, बिट्स पर सेकंड होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, 14वें में ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। यानी ये पूछ रहा है कि वेब ब्राउजर जो होता है इस प्रकार का, यानी ये जो ब्राउजर है, मैं आपको बता देता हूँ ब्राउजर कैसा होता है, आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ भी लीजिए इसको, कि एक जो वेब ब्राउजर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ये वेब ब्राउजर है। अब यहाँ पर आप ऊपर सबसे देख रहे हो क्या, यहाँ पर आप इस जगह देख रहे हो, यहाँ पर वैकेंसी गुरु डॉट इन लिखा हुआ है, यहाँ पर किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखा है ना, जो वेबसाइट खुलती है उसका एड्रेस यहाँ लिखा होता है, इस जगह को दोस्तों एड्रेस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस बार, जो सबसे ऊपर दिया गया है एड्रेस बार कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं देखना, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं दोस्तों होम बटन, स्टेटस बार, एड्रेस बार या फिर स्टॉप बटन। तो दोस्तों जो यूआरएल लिखा जाता है वो यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था इस जगह एड्रेस बार में यहाँ, और इसको एड्रेस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस बार। ओके, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर, खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, यानी बाहरी खतरे से हमारी को बचाता है वो कौन है? और इसका सही जवाब है दोस्तों फायरवॉल। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाता है, खतरों का खिलाड़ी। बाहरी खतरों से कौन बचाता है दोस्तों? फायरवॉल। और ये खतरों का खिलाड़ी है, खतरों से टकराना इसे अच्छा लगता है। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो खतरों के खिलाड़ी है ना, जैसे बाइक से स्टंट मारना वगैरह वगैरह, और भी कुछ है ना। आगे चलते हैं, VLSI, VLSI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? VLSI ये चौथी पीढ़ी में विकसित किया गया था, CPU को VLSI कहते हैं, ठीक है ना, CPU को ही VLSI भी कहते हैं। तो ये चौथी पीढ़ी में आया था और इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जिसका कमेंट में आपको जवाब देना है, कमेंट करके जवाब देना है। मेरा प्रश्न यह है, ध्यान से सुनिए, किसी भी वेबसाइट को हम चला रहे हैं ब्राउजर में, ब्राउजर को हम चला रहे हैं, तो उसको रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, रिफ्रेश करने का बटन कौन सा है, कौन से बटन से हम उसको रिफ्रेश करते हैं, ये कमेंट करके जवाब देना। 18वां प्रश्न पढ़ते हैं, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो आमतौर पर यह क्या कहा जाता है? कोई कंप्यूटर चालू है और हम काम कर रहे हैं और वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, हम उसको बताए जा रहे हैं वो जवाब ही नहीं दे रहा, तो उसको दोस्तों हम हैंग होना कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंग होना, एक जगह अटक जाना, हैंग। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 19वां है, एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा प्रकार क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, टेक्स्ट, करेंसी, नंबर या यस और नो। और इसका सही जवाब है दोस्तों, एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार टेक्स्ट होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 20वें पे, एमएस एक्सेल में मान लो कि सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्या मान है, इन सेलों में मौजूद वैल्यू का औसत पाने का सही सूत्र क्या होगा? दोस्तों B1, B2 और B3 इनमें संख्यात्मक मान वैल्यू दी गई, तो इसका अपना औसत चाहिए, तो अपना फॉर्मूला होगा बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन B1 से B3 ना, तो B1 B2 B3 लिखने की आवश्यकता नहीं, B1 कोलन लगा दो बीच में, यहाँ पर कोलन का चिन्ह लगा दो और B3 लिख दो, अपने आप B1 से B3 तक का ये सिलेक्ट कर लेगा, और फिर ब्रैकेट ऑफ कर दो, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 20वें का। आगे हम चलते हैं, यानी शुरू से अंत तक की वैल्यू आपको दिखानी है तो बीच में कोलन का चिन्ह लगा दो B1 से B3। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक है? सबसे फास्ट इंटरनेट संचार की तकनीक कौन सी है? और इसका सही जवाब है दोस्तों 4G LTE। 4G आपके फ़ोन में आता है ना, 4G LTE, ये सबसे तेज गति की आपकी क्या है दोस्तों? इंटरनेट संचार की टेक्निक है। 22वां प्रश्न है, MS Excel 2010 में निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग, किस चार्ट में केवल एक ही डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं? यानी एक ही डेटा श्रृंखला, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और एक की वैल्यू लिखी हुई है 60, बी और बी की वैल्यू लिखी हुई है 50, सी और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 30, ठीक है, और डी और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 40, ठीक है। तो यहाँ पर
और एक ई लिखा हुआ है, ई की वैल्यू लिखी हुई है 20, ऐसे करके टोटल वैल्यू 200 हो गई। तो एक ही डेटा श्रृंखला है ना, एक ही डेटा श्रृंखला है और सारे मान सकारात्मक होते हैं, कोई भी मान नेगेटिव नहीं होता, माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, ऐसा कौन सा चार्ट है? तो दोस्तों ऐसा चार्ट होता है अपना पाई चार्ट, जैसा कि इस प्रकार, ये वाला, जिसमें एक में जैसे मान लो ये 20 है, ठीक है, ये 30 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 40 है। तो ये जो चार्ट बन गया, इस चार्ट को, इस डेटा से हमने ये चार्ट बनाया, इस चार्ट को दोस्तों हम पाई चार्ट कहते हैं। और पाई चार्ट अकेला ऐसा चार्ट है जिसमें सभी मान सकारात्मक होते हैं, माइनस की वैल्यू नहीं होती, और दूसरी बात एक ही डेटा श्रृंखला होती है, दो डेटा श्रृंखला नहीं होती। अगर मान लो आप इसका वैल्यू ऐसे बनाओ, अगर मान लो मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, ध्यान से समझो इस बात को, अगर मान लो हम यहाँ पर ऐसे लिख दें 40 30 20 60 50 ऐसा और लिख दूं, तो क्या ये इससे चार्ट बनेगा? दोनों दो श्रृंखला से चार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, केवल एक का ही चार्ट बनेगा, पाई चार्ट। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न पे, और एक्सेल जिन्होंने पढ़ा है उनको ये चीज समझ में आ गई होगी। एमएस एक्सेल 2010 में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राइमरी की का उपयोग क्यों करते हैं? यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है, क्योंकि प्राइमरी कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित है, सही है। प्राइमरी कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सॉर्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह तालिका को डुप्लीकेट डेटा को प्रवेश से बचाता है, यह भी सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो प्राइमरी कुंजी है, एक तो ये डेटा को सॉर्ट करती है, दूसरी डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं आने देता, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं आने देता, और तीसरा यह क्या करता है, ये पुनर्प्राप्ति को, अगर आप डेटा पुनः प्राप्त करना चाहते हो, उनको तेज बनाता है, फास्ट करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां। एमएस वर्ड में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा करेक्टर फाइल नाम में नहीं लिखा जाता? यानी अगर आप एमएस वर्ड में एक फाइल सेव करेंगे तो कौन सा चिन्ह आप नहीं ले सकते? मैं चिन्हों के नाम बताता हूँ दोस्तों। एक तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं ले सकते, एक आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा नहीं ले सकते, आप एक ये वाला डॉट नहीं ले सकते, आप ये कॉलन नहीं ले सकते, सेमी कॉलन नहीं ले सकते, है ना, कॉमा नहीं ले सकते, ऐसे चिन्ह जो है ना, एट द रेट का चिन्ह नहीं ले सकते, ऐसे चिन्ह आप नहीं ले सकते। बाकी आप अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट और नंबर, डॉट भी ले सकते हो आप, स्पेस भी ले सकते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं ले सकते, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 25वां। निम्न में से किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से मिटाने के लिए शॉर्टकट क्या है? आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाए, कैसे डिलीट हो जाए? परमानेंट, हमेशा के लिए स्थायी रूप से डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे, ओके। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 25वें का। अगला प्रश्न है 26वां। 26वां प्रश्न क्या है देखिए, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट फीचर है जो हमें एकल स्क्रीन पर चार विंडो देखने की अनुमति देता है? यानी कि आप अगर विंडो 10 में एक ही स्क्रीन में चार काम एक साथ करना चाहते हैं, इस प्रकार चार काम एक साथ, चार विंडो चलाना चाहते हैं, एक इसमें चले, एक इसमें, एक इसमें, ऐसे, तो इसके लिए दोस्तों आप इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं असिस्ट, ऑप्शन ए असिस्ट नहीं, स्क्रीन असिस्ट नहीं, स्नैप असिस्ट बिल्कुल सही, आप स्नैप असिस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 26वें में, सी स्नैप असिस्ट, चार स्क्रीन एक विंडो। आगे चलते हैं, एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू में जाके आप क्लोज करेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कीबोर्ड पर अल्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे, ये भी सही है। आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग में क्लोज बटन दबाएंगे, ये भी सही है, टाइटल बार पर क्लोज बटन, उपरोक्त सभी, सभी का यूज आप करेंगे किसी फाइल को बंद करने के लिए, ठीक है। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पढ़ लिया करो, बैक लेके, बैक ले लो थोड़ा सा, फिर पढ़ लिया करो। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, यानी पावर पॉइंट का कौन सा व्यू है जो केवल टेक्स्ट को और बुलेट्स को, इधर बुलेट्स लिखाता है, ये कौन सा व्यू है? ऐसा व्यू पावर पॉइंट में दोस्तों, ऐसा जो व्यू होता है उसे आउटलाइन व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटलाइन व्यू। 29वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है कौन? एमएस एक्सेल में जो रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन है, रो देखो जैसे ये है सीट, इसमें ये यहाँ पर ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं, ये तो कॉलम हो गए, और यहाँ पर ये वाले कॉलम, ठीक है, और ये जो आड़ी लाइनें होगी ये रो हो गई, तो रो और कॉलम एक दूसरे पर जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार ये देखिए। तो ये जो बॉक्स है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। इसमें कितने सारे बॉक्स बन गए देखो, ये वाले, इनको हम सबको सेल कहते हैं। और सेल कैसे बनता है? कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन से, कॉलम और रो के काटने से, ठीक है। 30वां प्रश्न,
तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आईपी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के जो नियम होते हैं उनको आईपी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। 31वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने के लिए करते हैं? अगर आप पावर पॉइंट में एक से ज़्यादा स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करते रहो, सिलेक्ट होता रहेगा। 32वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? कौन है जो पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? दोस्तों वाटर मार्क को कहते हैं ये होता है वाटर मार्क। आप टेक्स्ट के पीछे वाटर मार्क डालना हो तो उसे हम भूतित छवि डालना कहते हैं, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों सीडी डीवीडी इनको कहते हैं, सीडी या डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। याद रखना सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से पहचानी जाती हैं। एमएस एक्सेस 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेस ये है मानो, इसमें विंडो में सबसे ऊपर आता है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल का नाम इस जगह और पाथ का नाम इधर प्रदर्शित करता है ये वाला। दोस्तों इसे को क्या कहते हैं? ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। कभी भी पूछा जाए कि सबसे ऊपर वाला बार क्या होता है तो आप जवाब देंगे टाइटल बार। अगला प्रश्न है 35वां, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? दोस्तों विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर जो है वो रियल टाइम एंटीवायरस होता है। रियल टाइम एंटीवायरस ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली एक एंटीवायरस आता है जिसका नाम विंडोज डिफेंडर है। ऐसे करके आज के वीडियो में हमने 35 प्रश्न जाने, कितने प्रश्न आपके सही हैं ये कमेंट करके बताएं, और आप अभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करें, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को आप जो है नोटिफिकेशन है वीडियोस की ये भेजते रहेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप देख सकते हैं वैकेंसी गुरु वेबसाइट, जो कि गूगल से मिलेगी। गूगल में जाएँ, सर्च करें वैकेंसी गुरु, और इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।